नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल से दिल की बातें के एक जबरदस्त एपिसोड में। हर इंसान की लाइफ में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनसे वो मिलता है, इंस्पायर होता है, उनके जैसा बनना चाहता है। लेकिन फादर उन तमाम लोगों में से पहले ऐसे इंसान होते हैं जो हमारे रोल मॉडल, हमारे रियल हीरो होते हैं। हमारे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट भी होती है तो हम उनसे डरते भी हैं। और इंडियन फादर सन की तो रिलेशनशिप ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट होती है। सच कहा जाए तो दोनों के बीच में लव हेट का रिश्ता होता है। कई लोग हैं जो बड़े हो जाने पर भी अपने फादर के साथ खुलकर बात ही नहीं कर पाते हैं। क्या रीजन है? माँ के साथ तो बड़ा ही मजे का रिश्ता होता है। वो आपकी चिंता करती है, परवाह करती है, स्ट्रिक्ट होती है तो आपको बिगाड़ती भी है। लेकिन फादर हमेशा सख्त होते हैं, गलत करने पर डांटते हैं। ऐसा नहीं कि प्यार वो नहीं करते हैं, प्यार दोनों करते हैं, बट दोनों का तरीका जुदा होता है। माँ एक्सप्रेस कर देती है, फादर्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बचपन में तो बाप बेटे में फिर भी बहुत लगाव होता है, लेकिन जैसे जैसे बेटा बड़ा होने लगता है एक अजीब सा अलगाव आ जाता है। तो चलिए मिलकर इस आदर और डर के बीच की दरार में झांक कर देखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इस रिश्ते में कई बार कड़वाहट आ जाती है। पहली बात, अधूरी आकांक्षा है। हर इंसान सपने देखता है, कुछ पूरे हो जाते हैं, कुछ हालात के चलते नहीं हो पाते हैं। तो जिस इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, वो बस एक डिसीजन ले लेता है कि अब मेरी ये सारी अधूरी इच्छाएं जो है मेरा बेटा पूरी करेगा। अब अपने सपनों को अपने बेटे में जीना गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी हसरतें बच्चों पर थोपना वो भी सही नहीं है। इससे और कुछ नहीं होता, बस बच्चों के दिल में अपने फादर के लिए कड़वाहट आ जाती है। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है, हर बेटा जो है, अपने फादर के सपने पूरा करने के लिए ही बना हो। तो फादर को चाहिए अपने बेटे के साथ दोस्त बने, जानने की कोशिश करे कि वो क्या चाहता है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। अपनी इच्छाएं थोपने की जगह उनके मन को समझने की कोशिश करें। सेकेंड इज, अपने मन की बात ना कह पाना। फीलिंग संभालना तो कभी आदमियों का गुण रहा ही नहीं। फीलिंग दिखाने को तो एक कमजोरी माना जाता है, स्पेशली हमारी सोसाइटी में। बाप दादे हमेशा से ही बहुत ज्यादा सख्त रहे, ना कोई आंसू, ना कोई प्यार व्यार की बात करना, हमेशा से एक बेस्वाद कड़क प्रेम, बाप दादाओं की विरासत में मिली एक आदत। आई लव यू कहना, हग करना, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना तो इस सोसाइटी में अच्छा ही नहीं माना जाता। लेकिन जब फादर्स अपने बेटों को लेकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो कई बार बेटों के दिलों को ठेस लगती है और इससे उनके संबंधों में दूरी आ जाती है। और उसके ऊपर लड़कों को टफ बनाना, लड़के रोते नहीं है, ये एक ऐसी कहावत है जिसके चलते आदमियों को लगता है कि रोना तो कमजोरी की निशानी है। लेकिन अब समय आ गया इस बात को समझने का कि कोई भी रो सकता है, आदमियों और ना रोने में कोई संबंध नहीं है। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, क्या मर्द को दर्द नहीं होता, जरूर देखें। अगली बात, दुनियादारी। मोस्टली फादर्स अपने बेटों को पाठ पढ़ाते हैं, दुनिया ऐसे नहीं चलती, वैसे नहीं चलती, खुद में थोड़ा सुधार लाओ। बेटों की गलती पर उन्हें समझाने की जगह कई बार फादर्स लंबे लंबे लेक्चर दे बैठते हैं जो बेटों को पसंद नहीं आते, और इस चक्कर में बेटे अपनी गलतियां उनसे छुपाने लग जाते हैं। लेकिन फादर सिर्फ अपने बेटों को स्ट्रीट स्मार्ट बनाना चाहते हैं, अब क्या बोले इस बारे में। अब कई फादर्स बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, याद है ना, कभी खुशी कभी गम के अमिताभ बच्चन। बहुत ज्यादा कड़क नियम भी जो होते हैं इंसान को दबा देते हैं। बच्चों में इससे विद्रोह पैदा होता है, थप्पड़ मारना, पीटना, इंसल्ट करना, इन सभी बातों से बच्चों को सिर्फ गुस्सा आता है और फिर वो इस गुस्से का इस्तेमाल कहीं दूसरों पर करते हैं। ये एक मनमानी की लड़ाई बन जाती है। एक तरफ बेटा जो होता है वो आजादी चाहता है, दूसरी तरफ बाप अपने तरीके से और ज्यादा दोष दिखाने की कोशिश करता है। अब जनरेशन गैप, झगड़े की सबसे बड़ी जड़। नो डाउट हर जनरेशन की सिचुएशन में बहुत फर्क होता है। स्पोर्ट्स, म्यूजिक, शोज जो आप देखते हैं, जरूरी नहीं आपके फादर या आपका बेटा भी वही देखता हो। तो उसी तरह से विचारों में भी बहुत फर्क होता है, जिसकी वजह से दूरियां आ जाती है। अब ऊपर से घाव पर नमक का काम करते हैं ये शब्द, राहुल के तो 98 आए,
तुम्हारे 100 क्यों नहीं आए? कंपैरिजन। हालांकि इस तरह से फादर अपने बेटे को बेटर बनने के लिए थोड़ा पुश कर रहे होते हैं, लेकिन बेटे की कोशिशों की तारीफ ना करके ना कहीं वो उसे दुखी भी कर रहे होते हैं। इस कंपैरिजन से वो बेटर नहीं होते, बल्कि कई बार बच्चों के मन में सेल्फ डाउट भर जाता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो कैसे संभाले बाप बेटे के ये रिश्ते? तो फादर के लिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि उनके शब्दों का उनके बेटों पर गहरा असर पड़ता है। तो कभी थोड़ी छूट दे देना, थोड़ा सॉफ्ट हो जाना बहुत जरूरी है। अपनी ईगो को साइड में रखकर बच्चों के साथ नए जमाने की बात करना, कुछ नई बातें सीखना, नई चीजें सीखना, ये दोनों की रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ में बेटों को भी इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इस शिकायती और रूल लविंग चेहरे के पीछे वो इंसान छुपा है जो आप में सिर्फ बेस्ट देखना चाहता है, आपसे प्यार करता है। तो हर बेटे को अपने फादर के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। याद रखे, आपके फादर जो है आपकी जिंदगी के पहले इंसान है जो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे, आपको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन अपने तरीके से, ना कि आपके तरीके से। आखिर फादर भी इंसान है, अपनी बात तो कहेंगे, इसलिए उनके लिए अपने मन में कड़वाहट ना लाए, उनसे बात करें, उनकी कहानियां सुने, बहुत नॉलेज है उनके पास, बहुत कुछ है बताने के लिए। अगर आप कभी पीछे मुड़कर देखेंगे ना, तो रियलाइज करेंगे कि कितनी बार वो सही थे। आप भी अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करें, वो कम बात करते हैं, आप करते रहे, उनके साथ मूवी, डिनर, ड्राइव पर जाए, क्या उन्हें पसंद है वो लेकर आए उनके लिए। हो सकता है वो नकली गुस्सा करें, लेकिन मन ही मन बहुत खुश होंगे। और इसके साथ ही अगर आपने पास्ट में उनके साथ कभी कुछ गलत किया है ना, तो माफी मांग लें, गले लगा लें। उन्हें टेक्निकल चीजें जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, जिन्हें समझने में उन्हें मुश्किल होती है, वो सिखाएं, उनसे दोस्ती की कोशिश करें। जिसने भी कहा है ना कि बाप बेटे दोस्त नहीं हो सकते, गलत कहा है। बिलीव मी, जब आप उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि वो भी आपके साथ खुल रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। और यही बस एक तरीका है जो एक बाप बेटे के प्यार को बढ़ा सकता है, उनकी दूरियां मिटा सकता है, उनके रिलेशंस को बेटर बना सकता है। याद रखे, बाप का प्यार छुपा हुआ होता है, माँ के प्यार जितना वो दिखता तो नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों अलग है। बाप पर्दे के पीछे का वो इंसान है जो अपने बेटे के जीवन की फिल्म को सफल बनाता है, समझे ना। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और जबरदस्त झकास टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, एंड डू टेक वेरी गुड केयर। लव यू ऑल।